हेलो फ्रेंड, मैं सत्येंद्र सिंह राठौर आज आपके सामने बायोलॉजी का डाइजेस्टिव सिस्टम को आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा। सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुई, जैसे व्यापम हुआ, पीएससी हुआ, यूपीएससी हुआ, इन सभी एग्ज़ामों में डाइजेस्टिव सिस्टम से बिल्कुल सवाल आते ही हैं 100%। व्यापम की कोई भी एग्ज़ाम हो, सिविल सर्विसेज की कोई भी एग्ज़ाम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम से मस्ट है आना। कोई भी सवाल, 2 या 3 सवाल बिल्कुल आते ही हैं। बच्चे इसको पढ़ने से घबराते हैं, उनको लगता है डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही टिपिकल है, पर मैंने बहुत ही सरल तरीके से चार्ट के माध्यम से इसे यहाँ समझाने का प्रयास किया है। सबसे पहली बात कि आखिर डाइजेशन होता क्या है। तो डाइजेशन कुछ नहीं होता, डाइजेशन एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें मैक्रो मॉलिक्यूल कन्वर्ट होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल में, और ये जो कन्वर्सेशन है ये कन्वर्ट होते हैं किसकी सहायता से, एंजाइम की सहायता से। और ये क्रिया जिसमें संपन्न होती है, वो क्रिया संपन्न होती है कहाँ, आहार नाल में, एलिमेंट्री केनाल में। मैक्रो मॉलिक्यूल अर्थात वृहद अणु कन्वर्ट होंगे आपके माइक्रो मॉलिक्यूल में अर्थात सूक्ष्म अणुओं में, किसकी सहायता से, एंजाइम की सहायता से। और ये क्रिया जहाँ पर होगी वो होगी आपकी एलिमेंट्री केनाल में, और एलिमेंट्री केनाल आपकी चालू होती है माउस से लेकर एनस तक, यानी बकल कैविटी से लेकर या माउस से लेकर आपके एनस तक। ये आप मैंने बना रखा है, ये इसोफेगस से मैंने डायग्राम बनाया है। तो इसोफेगस से लेकर एनस तक आपकी क्या रहेगी, एलिमेंट्री केनाल होती है। तो इस एलिमेंट्री केनाल में कई तरह के क्या पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से सिर्फ माइक्रो मॉलिक्यूल कन्वर्ट होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल में, यही डाइजेशन है। और कोई बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है डाइजेशन। डाइजेशन में मैक्रो मॉलिक्यूल कौन कौन से होंगे, तो मैक्रो मॉलिक्यूल होंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। अर्थात जब भी ये नाम आता है कार्बोहाइड्रेट, तो ये समझ लेना कि ये मैक्रो मॉलिक्यूल है, अर्थात ये वो बहुत ही बड़ा अणु है, इसमें कुछ छोटे छोटे अणु मिले होंगे। तो कार्बोहाइड्रेट में 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो ये कार्बोहाइड्रेट में जो पॉलीसेकेराइड होता है वो एट लास्ट कन्वर्ट होगा आपका ग्लूकोज में। ग्लूकोज एक प्रकार का मोनोसेकेराइड है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के हैं, कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के, उसमें एक होगा आपका मोनोसेकेराइड, एक होगा डाइसेकेराइड और एक होगा पॉलीसेकेराइड। यदि भोजन में आपने पॉलीसेकेराइड खाया है, अर्थात आलू खाया है या चावल खाया है, तो एटलीस्ट अंत में वो जाएगा कहाँ पर, मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट होना है बस। यदि आपने डाइसेकेराइड खाया है तो अंत में उसे कहाँ में कन्वर्ट होना है, मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट होना है। अर्थात कार्बोहाइड्रेट कोई भी है वो अंत में जाकर कहाँ में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। ये क्रिया कौन कराएगा, तो ये क्रिया होगी एलिमेंट्री केनाल में एंजाइम की सहायता से, यही डाइजेशन है। तो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है आपका ग्लूकोज में, प्रोटीन कन्वर्ट होता है एमिनो एसिड्स में, और वसा कन्वर्ट होता है, या फैट बोलते हैं जिसे, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। ये 3 बेसिक्स यदि आपने दिमाग में रख लिए तो डाइजेशन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अर्थात ये मैक्रो मॉलिक्यूल कन्वर्ट होंगे माइक्रो मॉलिक्यूल में एलिमेंट्री केनाल के अंदर एंजाइम की सहायता से, और यही क्रिया आपकी क्या कहलाएगी, डाइजेशन कहलाएगी। तो ये प्रोसेस कहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा, कहाँ पर प्रोटीन का पाचन होगा, कहाँ पर वसा का पाचन होगा, यही सब इस डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। तो जो आपकी एलिमेंट्री केनाल है वो शुरू होती है आपकी माउथ या बकल कैविटी से, जो माउथ है आपका और बकल कैविटी है उसमें एलिमेंट्री केनाल यहाँ से प्रारंभ होती है, और यहीं से डाइजेशन भी आपका प्रारंभ हो जाता है। तो डाइजेशन में सबसे पहले भोजन में यदि आपने कार्बोहाइड्रेट का पॉलीसेकेराइड रूप खाया है, अर्थात भोजन में यदि आपने स्टार्च खाया है, इसका मतलब स्टार्च किसका रूप है, पॉलीसेकेराइड का रूप है। और स्टार्च में यदि आपने भोजन में क्या खाया है, चावल खाया है या प्लस आलू खाया है, तो इसका डाइजेशन आपका माउथ या बकल कैविटी से क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाता है। अर्थात माउथ में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है टाइलिन। ये एंजाइम आपका जो पॉलीसेकेराइड है, अर्थात जो स्टार्च है जो कि पॉलीसेकेराइड का रूप है, उसे डाइसेकेराइड में बदल देता है, अर्थात माल्टोज में बदल देता है। अभी भोजन पूर्ण रूप से पाचन नहीं हुआ है, क्योंकि एटलीस्ट उसे बदलना कायम है ग्लूकोज में बदलना। जब तक वो ग्लूकोज में नहीं बदलेगा, जब तक डाइजेशन आपका कंप्लीट नहीं होगा। तो माउथ में सिर्फ इतना होता है कि आपका प्रोटीन और वसा का कोई पाचन नहीं होगा माउथ में। माउथ में सिर्फ पाचन होगा तो आपका कार्बोहाइड्रेट का, और उसमें से भी पॉलीसेकेराइड उसमें क्या होगा, डाइसेकेराइड में कन्वर्ट होगा, किसकी सहायता से, टाइलिन की सहायता से। ये पहला प्रोसेस आपका माउथ में क्या हो गया, एंजाइम का जो रोल है वो यहाँ पे आके समाप्त हो गया। इसके अलावा माउथ में 2 चीज़ें और पाई जाती हैं जो सभी को पता है, जैसे दांत पाए जाते हैं,
तो दांत जो होते हैं चार प्रकार के होते हैं, इंसाइजर होते हैं, केनाइन होते हैं, प्रीमोलर होते हैं और मोलर होते हैं। इसके लिए एक डेंटल फार्मूला है, इसको आप याद कर लीजिए, 2123 ये जो है 2123 जो फार्मूला होता है वो आधे जबड़े का होता है, आधे जबड़े का अर्थात इस साइड का होता है। इसको यदि पूरे जबड़े का बनाना है तो इसे दो से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो इसको देखेंगे यदि 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8 इसको पूरे जबड़े का करना है यदि, तो 8 को 2 से गुणा करना पड़ेगा तो 16 हो जाएंगे। उसी प्रकार निचले जबड़े में भी 8 को 2 से गुणा कर देंगे तो 16 हो जाएंगे। तो 16 दांत ऊपर और 16 दांत नीचे, अर्थात 32 दांत जो होते हैं एडल्ट में पाए जाते हैं। और ये जो इनका जो क्रम है, 2 पर आता है आपका इंसाइजर, 1 पे आता है आपका केनाइन, 2 पे फिर आता है प्रीमोलर और 3 पे आता है मोलर। ये चार प्रकार के दांत जो हैं मनुष्य में पाए जाते हैं। जो इंसाइजर है उसका काम भोजन को कुतलने का होता है, जो आपका केनाइन है उसका काम आपका काटने का होता है भोजन को, और प्रीमोलर और मोलर जो हैं वो चबाने का काम करते हैं। और मांसाहारी जंतुओं की यदि बात करें तो उनमें जो केनाइन होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा विकसित होते हैं। और जो मनुष्य की बात करें तो केनाइन इतना डेवलप नहीं होता, अर्थात जो नोकीला दांत है, ये जो नोकीला दांत आपने देखा होगा कुत्तों में बाहर निकला होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, केनाइन बोलते हैं, मनुष्य में ज़्यादा विकसित नहीं होता। तो ये चार प्रकार के जो दांत होते हैं जो भोजन को उतरने के लिए, काटने के लिए, चबाने का काम करते हैं। इसके अलावा एक टंग पाई जाती है, टंग अर्थात जीव्या, जिसमें जिसके तीन भाग होते हैं, अग्र भाग होता है, एक पश्च भाग होता है और एक पार्श्व अर्थात लेटरल, एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल। अर्थात यदि डायग्राम से देखा जाए तो ये इस तरीके से होगा, ये एंटीरियर पार्ट है, ये लेटरल पार्ट है इसका और ये पोस्टीरियर पार्ट है। तो जो टंग होती है वो तीन तरह के टेस्ट को आइडेंटिफाई करने में रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि टंग में टेस्ट बर्ड पाई जाती हैं, स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं, इसको टेस्ट बर्ड कहते हैं। जो टंग का जो आगे का भाग होता है, अग्र भाग होता है, वो मीठे स्वाद के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो पश्च भाग होता है वो कड़वे या तीखे स्वाद के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो लेटरल पार्ट होता है वो नमकीन पार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो भोजन के पाचन की क्रिया में माउथ का इतना ही योगदान है, वो सिर्फ क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसेकेराइड का क्या करेगा, पाचन करेगा। इसके अलावा दांत की सहायता से आप भोजन को कुतरेगा, काटेगा, चबाएगा, और भोजन टंग के माध्यम से आपको स्वाद के रूप में क्या होगा, महसूस होगा। यहाँ से भोजन फिर जाएगा ईसोफेगस में, ईसोफेगस अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो नली है वो क्या कहलाएगी आपकी, ईसोफेगस कहलाएगी। ईसोफेगस में किसी प्रकार का कोई डाइजेशन नहीं होता है, इसलिए मैंने चार्ट में इसमें लिखा है नो डाइजेशन। तो फिर ईसोफेगस का क्या रोल है डाइजेशन में, तो ईसोफेगस का ये रोल है कि भोजन को माउथ से लेकर स्टमक में आने में लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगता है। ये समय को क्या करता है, बढ़ाता है। यदि ये समय ना हो तो व्यक्ति को जल्दी से क्या लग जाएगी, भूख लग जाएगी, अर्थात भोजन माउथ में आया और डायरेक्ट स्टमक में आया और छोटी आंत के माध्यम से बाहर हो गया, तो व्यक्ति को 2 घंटे बाद फिर वापस भूख लग जाएगी। तो भोजन स्टमक में लगभग 3 घंटे में पहुँचता है, बस यही इसका योगदान है। इसके अलावा जब भोजन जैसे ही स्टमक में पहुँचेगा तो स्टमक से निकलता है, ये स्टमक में आया और स्टमक से निकलता है गैस्ट्रिक जूस निकलता है। इस जूस में 3 कंपोनेंट पाए जाते हैं, सांद्र HCl होता है, पेप्सिन होता है, 2 कंपोनेंट होते हैं सॉरी, सांद्र HCl और पेप्सिन पाए जाते हैं। सांद्र HCl जो है भोजन का जो मीडियम है, चूँकि ये सांद्र HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बहुत ही लो pH का होता है, ज़्यादा pH नहीं होता इसका, फिर भी भोजन के माध्यम को क्या कर देता है, ये अम्ली बना देता है पूरे तरीके से। और भोजन में मौजूद जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इसकी मदद से क्या हो जाते हैं, मारे जाते हैं या मर जाते हैं जितने भी भोजन में। इसके अलावा भोजन में यदि कोई कड़े पदार्थ हैं, सॉलिड मैटर हैं, तो वो भी HCl के द्वारा क्या हो जाएंगे, नर्म पदार्थों में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सांद्र HCl का ये रोल है गैस्ट्रिक जूस में। इसके बाद एक एंजाइम निकलता है जिसका कि नाम है पेप्सिन, जो कि यदि भोजन में क्या मौजूद है, प्रोटीन मौजूद है, तो प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में बदल देता है। ये पूर्ण रूप से नहीं बदलता, आगे जाके बदलेगा, लेकिन GS के हिसाब से आप मान सकते हो, सामान्य ज्ञान के हिसाब से, कि प्रोटीन को ये अमीनो एसिड्स में क्या कर देता है, लगभग बदल देता है। ठीक है, भोजन फिर स्टमक के पश्चात स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन जब आएगा तो भोजन का पाचन जब तक नहीं होगा, जब तक उसका मीडियम
जो यहाँ पर एसिडिक था अर्थात अम्ली था, अम्ली से क्षारी ना हो जाए, जब तक भोजन की पाचन क्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। तो सबसे पहले स्टमक में जो अम्ली भोजन था उसको क्षारी बदन में क्षार में बदलने बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए लीवर से एक डक्ट निकलती है और उससे छोटी आंत में बॉइल्ड जूस जाता है। बॉइल्ड जूस जैसे ही लीवर से छोटी आंत में जाएगा, वैसे भोजन का जो पूरा मीडियम है वो एसिड से बेसिक हो जाएगा अर्थात क्षारी हो जाएगा। जैसे ही भोजन का माध्यम क्षारी हुआ तो अग्नाशय से एक डक्ट है, पेंक्रियाटिक डक्ट, उससे तीन एंजाइम अग्नाशय से ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेस, या इसका एमाइलैप्सिन भी नाम है, एमाइलैप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलैप्सिन और लाइपेस, ये तीन एंजाइम पेंक्रियास से छोटी आंत में आएंगे। तो ये जो तीनों एंजाइम है, ये तीनों एंजाइम इन तीनों बड़े कंपोनेंट पर रिएक्ट करेंगे, अर्थात ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन पर रिएक्ट करेगा, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन पर रिएक्ट करेगा और उसे अमीनो एसिड्स में बदल देगा। ये प्रोटीन का पाचन यहाँ पर जाके समाप्त तो हो गया। इसके बाद एमाइलेज की बात करें तो ये कार्बोहाइड्रेट पर रिएक्शन करेगा और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देगा। अब तीसरा जो कंपोनेंट है वसा, वसा को लाइपेज जो है वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देगा। तो इस प्रकार छोटी आंत में लगभग 90% आपका पाचन समाप्त हो जाता है। पाचन की क्रिया छोटी आंत में आकर लगभग 90% आपकी समाप्त हो जाती है। तो तीनों बड़े कंपोनेंट अर्थात कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित छोटी आंत में जाकर हो जाते हैं। फिर जब लार्ज इंटेस्टाइन में जब भोजन आता है तो भोजन में जितना भी वाटर है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो भोजन में जितना भी जल की मात्रा होगी उसे बड़ी आंत क्या कर लेगी, अवशोषित कर लेगी। और अब भोजन जो है मल के रूप में या फेसेस के रूप में एनस के माध्यम से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। तो एक बहुत बहुत ही दिखने में बड़ा टिपिकल प्रोसेस है, लेकिन कुछ नहीं है, इसमें मैक्रोमोलिक्यूल बस कन्वर्ट हो रहा है माइक्रोमोलिक्यूल में एंजाइम की सहायता से। और एंजाइम चार पांच दिख रहा है आपको, एक तो आपका एंजाइम है प्रोट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज और ये पेप्सिन और ये टाइलिन। तो पांच एंजाइम का रोल है इसमें, जिसमें से टाइलिन जो है आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा और पेप्सिन और ट्रिप्सिन जो कि मिलते हुए नाम है, मिलते जुलते नाम है, वो प्रोटीन का पाचन करते हैं और लाइपेज जो आपको वसा का क्या करता है, पाचन करता है। तो मेनली जो पाचन है वो आपका स्टमक में और छोटी आंत में क्या हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा और भोजन जो है फेसेस के रूप में या मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाएगा। एक चीज़ और यहाँ पर गौर करने वाली है कि छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन पे एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे बोला जाता है अपेंडिक्स या सीकम, जिसे बोला जाता है अपेंडिक्स या सीकम। जितने भी केटल्स होते हैं अर्थात जितने भी पशु होते हैं उसमें यह सेलुलोज का पाचन करता है। क्योंकि मनुष्य अपने भोजन में सेलुलोज बहुत कम मात्रा में खाता है, इसलिए मनुष्य के शरीर में यह अवशेषी अंग के रूप में काम करता है। जब भी आपने कभी देखा होगा कि कई व्यक्तियों का अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर अपेंडिक्स जो या सीका में उसको निकाल के अलग कर देता है, उसके बावजूद भी उसके शरीर पर कोई हानि नहीं होती, क्योंकि भोजन के पाचन में मनुष्य में इसका कोई योगदान नहीं है, ये एक प्रकार का अवशेषी अंग है। इसे सर्जरी के माध्यम से जब ये कई बार क्या होता है, इसमें स्वेलिंग आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है तो पेट में फिर सीवियर जो है दर्द उठता है, तो डॉक्टर जो है सर्जरी के माध्यम से सीकम को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, जिसे बोला जाता है अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है व्यक्ति का। तो सीकम का क्या रोल है, सीकम का रोल होता है केटल्स में जहाँ ये सेलुलोज का पाचन करते हैं, सेलुलोज अर्थात जो घास फूस खाते हैं वो सेलुलोज के अंतर्गत आता है, मनुष्य में इसका कोई योगदान नहीं है। और इसके अलावा अगले चैप्टर में हम डाइजेशन से संबंधित दो सहायक ग्रंथियों अर्थात पेंक्रियाज और लीवर के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने देखा होगा कि मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम को एक चार्ट के माध्यम से बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। अगले लेक्चर में मैं उसकी सहायक ग्रंथियाँ लीवर और पेंक्रियाज के बारे में बताऊँगा। धन्यवाद।